भागलपुर में 6 माह की गर्भवती प्रेमिका अपने सिपाही प्रेमी की शिकायत लेकर महिला थाने पहुंची। उसने अपने प्रेमी पर आरोप लगाते हुए बताया कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद गर्भवती कर उसे छोड़ दिया, अब शादी करने से इनकार कर रहा है। शादी करने की जिद करने पर भद्दी भद्दी गालियां देता है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों भागलपुर के ही रहने वाले हैं। भागलपुर की शिवनारायणपुर इलाके की रहने वाली युवती ने अंतीचक निवासी एक युवक के विरुद्ध महिला थाने में आवेदन देकर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। क्यों आई है? किस पे? कौन है रजमन कुमार? क्यों केस करना चाह रही हो आप उसको? प्रेम प्रसंग था, जब 6 मंथ का गर्भवती ही था तो शादी करने से इनकार चल रहा है। कौन रंजन? हाँ। कितने साल से प्रेम प्रसंग था? 2 साल से। अभी क्या बोल रहे हैं? शादी से इनकार जाते हैं। कहाँ मिले थी आपको? घर में। घर में क्या कहा था उसने पहली बार आपसे? और आप उसके स्टेटस में गए थे? ऐसे बात कुछ होता था तो बोलते थे कि हम अगला छुट्टी आएंगे तो शादी कर लेंगे, बट वो शादी से अभी इनकार जाते हैं। आपकी पहले भी शादी हो चुकी? मेरी पहले शादी हो चुकी। क्यों छूटा वो? तो दूसरे लड़की से शादी करते थे इसलिए। इसलिए छोड़ दिया। अभिरंजन की आपका माँ बनने वाली है? हाँ, 6 मंथ की। 6 मंथ की। आर आप कहाँ आवेदन दिए? क्या कुछ कहा गया वहाँ? वहाँ से कोई रिप्लाई ही नहीं मिला अभी तक। कोई रिप्लाई नहीं? आज महिला थाना आई है? हाँ। क्यों? केस करने की? पैसा की बात आ रही है? पैसा का बात आ रहा है, पैसा रिप्लाई नहीं। कौन कह रहा है ये बात? उसका पापा बोल रहा है, रंजन बोल रहा है, उसका घर वाला फैमिली सब बोलते हैं। उसके घर वाले फैमिली सब बोल रहे हैं? कितना पैसा दे रहे हैं वो लोग ये अभी क्लियर नहीं किया? आप क्या चाहती हैं? हम शादी करना चाहते हैं। उक्त मामले को लेकर पीड़िता महिला थाने पहुंची थी, जहां उसने मामले में अपना आवेदन जमा कराया है। मामले में पुलिस ने जांच करने के बाद आगे कार्रवाई की बात कही है। पीड़ित महिला ने पुलिस को अपने प्रेमी के खिलाफ लिखित शिकायत की है। उसने पुलिस को दी गई जानकारी में बताया है कि उसका सिपाही प्रेमी फिलहाल आरा में पोस्टेड है। बीते 2 वर्षों से हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच वो आरा से छुट्टी में आने पर मेरे साथ शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाया। वो जब आरा में रहता था तो फोन पर बातचीत होती थी। इस दौरान छुट्टी में आने पर हम दोनों लगातार मिलते थे। इसी बीच शारीरिक संबंध बनाने पर मैं गर्भवती हो गई। फिलहाल मैं 6 माह की गर्भवती हूँ, लेकिन वो अब शादी करने से साफ मुकर रहा है। उसने बताया कि उसने आरा में भी पुलिस अधीक्षक के पास लिखित शिकायत की थी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो थक हार कर महिला थाने में शिकायत करने आई है। उसने बताया कि मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी उससे शादी हो जाए। मैं 6 माह का गर्भ लेकर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची हूँ। सबरंग भागलपुर, बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर। ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है। हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। नियर होटल चिन्मय, कटहलबारी रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र की एक दवाई दुकानदार से फोन करके रंगदारी की मांग की गई। धमकी दी गई कि रंगदारी नहीं दोगे तो अपहरण कर लूंगा और अगर पुलिस को सूचना दोगे तो बम से उड़ा दूंगा।
इस संबंध में दवाई दुकानदार के लिखित आवेदन के आधार पर जोगसर थाना में केस दर्ज किया गया है। दवाई दुकानदार को लगातार फोन से धमकी दी जा रही थी। इस कांड में गिरफ्तारी के लिए एसएसपी आनंद कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और उस टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर धमकी देने वाले तीनों व्यक्ति को पुलिस ने मोबाइल के साथ ही गिरफ्तार कर लिया। जिन तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें सौरभ कुमार, शिवनंदन कुमार और गुलशन मंडल है। जानकारी सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी। 13 तारीख को जोंझो थाना क्षेत्र में एक घटना हुई। घटना की सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक दवाई दुकानदार से 3 लाख की रंगदारी की मांग की गई और ये भी धमकी दिया गया कि यदि रंगदारी नहीं दोगे तो तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लेंगे और यदि पुलिस को सूचना दोगे तो बम छोड़ देंगे। ये बहुत ही गंभीर मामला था। पुलिस इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर जो टीम बनाई गई, विशेष टीम बनाई गई जिसमें डीआईयू टीम थानाध्यक्ष रंजीत, डीआईयू टीम से राजीव, डीआईयू टीम से मिथिलेश कुमार चौधरी, डीआईयू टीम से मुरलीधर शाह बच्चन और हमारे साथ जो भी टीम है सीआईटी की टीम है, एक विशेष टीम गठित करते हुए इस पर लगातार इसकी निगरानी की गई। लगातार इसके जो भी धमकी आ रहे थे उन चीज़ों को मॉनिटर किया गया और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर छापामारी दल के द्वारा रात भर छापामारी की गई और 3 व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया है जिसमें सबसे पहले गुलशन मंडल जिसके द्वारा ये सारी मैसेजेस किए जा रहे थे, धमकी दिए जा रहे थे, उनको उसके मोबाइल के साथ उसको गिरफ्तार किया गया हबीबपुर क्षेत्र से। फिर शिवनंदन यादव उसके नाम निशानदेही पे शिवनंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया है हबीबपुर क्षेत्र से। फिर उसके बाद जो इस पूरे घटना का जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया गया, जो सौरभ कुमार उसको गिरफ्तार किया गया भैरवपुर से। इस प्रकार 4 भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में गांव के 2 घरों के बीच हुए मारपीट के दौरान घायल विकास कुमार की इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की मां का कहना है कि गांव के ही प्रमोद यादव और उसके भाइयों के द्वारा घर में घुसकर घर के सभी लोगों के साथ लाठी डंडे से मारपीट की गई थी। वहीं पुत्र विकास की भी उन लोगों ने लाठी से जमकर पिटाई कर दी थी। पिटाई करने वाले लोगों का कहना था कि अरुणा देवी के परिवार के द्वारा उन लोगों को गाली दी गई है और जिसको लेकर प्रमोद यादव सहित उनके भाई और घर की महिलाओं के द्वारा घर में घुसकर मारपीट किया जाने लगा। वहीं विकास की लाठी से जमकर पिटाई कर दी गई जिसके बाद परिजनों ने उसे पीरपैंती अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टर ने उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर कर दिया। देर रात से यहां घायल का इलाज चल रहा था, सुबह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे क्या हुआ? और तीनों भाई अल और तीनों भाई ना लाठी चल के पहले हमरा पर किसी के हमारे बच्चा के लागू और ओकर बाद प्रमोद यादव ने और दोहरा के लाठी चल के अरुण यादव, प्रमोद यादव, कुंदन यादव किस बात को लेकर मारपीट किया था? हमारा घर में हम बोले कि मारपीट हम अपना घर में वो कुछ ऊपर 12 रंग में बोले कि हम जैन बोले तो अपना घर में बोले जैन हमको सरपंच परेशान करता है। जैन किसको बोलता है? जैन किसको बोलता है? जैन अपना हम अपने घर में बोले ज्यादा दीपक यादव है। क्यों लगता है? कौन लगता है उसका? प्रमोद यादव रमजानीपुर का है, एक तो यही के लगे जो लड़का तो विकास को विकास हमरा लड़का छे नेने जे मार लगे को के लगे जे उफा लगे हां मई मारे करबेला छे फेर मई पचोनी में पर्याप्त निकलो मार मई करबेला छे मई मार करबेला छे बेटा को नाय छोड़ल के बाबू सब तो लड़कारी के मारे कितना आदमी था लोग ढेरी आदमी बाबू सब जनानी पत्थर सब गिर गए बाबू। कब मारपीट हुआ है? 7 बजे बाबू शाम में। हाँ ये बाबू समझ में 7 बजे पुलिस को फोन किए थे बाबू घर खराब हो हॉस्पिटल में गया हॉस्पिटल से यहाँ पर कर दिया हमारा बेटा। कौन अस्पताल गए थे? सिंह
पैसी अस्पताल वहाँ से बाबू यहाँ पे इलाज हुआ बाबू हाँ हुआ इलाज बाबू पानी चढ़ाया बाबू गाली दिया बाबू हमारा बेटा होते न किया बाबू। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग हर दिन नए नए फरमान जारी कर रही है। खासकर जब से के पाठक शिक्षा विभाग में आए हैं, तब से शिक्षकों के अंदर एक भय का माहौल बन गया है। अभी तक तो सरकारी शिक्षक परेशान थे, अब प्राइवेट शिक्षक भी उनके आदेश से काफी नाखुश दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले के पाठक ने एक फरमान जारी किया था कि कोई भी निजी शैक्षणिक संस्थान 9 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक कोचिंग में बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकते। इससे पूरे निजी कोचिंग संस्थान के संचालकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया है, जिसको लेकर आज भागलपुर में PTA यानी प्राइवेट टीचर एसोसिएशन द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया। प्राइवेट शिक्षण संस्थान के शिक्षकों ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से जुलूस निकालकर मनाली चौक तक मौन जुलूस यात्रा निकाली। पिछले दिनों एक्शन में आए शिक्षा विभाग के अधिकारी के पाठक के फरमान के बाद भागलपुर DM ने कोचिंग संचालक को चेताया था कि आप लोग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग क्लास बंद रखेंगे। इसके विरोध में ये आक्रोश मार्च कर आदेश का विरोध जताया जा रहा है। आंदोलन करेंगे। आज ये टेलर है सर, आज ये टेलर है मौन जुलूस का मोबाइल, और ये हम मोबाइल आता है उधर हल्का चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट शिक्षक को जो किया जा रहा है, बाधा जा रहा है, अपने कार्य से रोका जा रहा है, आप किस आधार पर हमको रोक रहे? हम खुद मजदूरी करना चाह रहे हैं, मजदूर अपना है और हम अपने हिसाब से चलना चाह रहे हैं, आप क्यों बांध रहे हैं? आप अपनी व्यवस्था को कुछ करने लगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 9 से 4 मेन टाइम होता है और उसी टाइम को आप बंधित कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा परिणाम यह है कि आप कोचिंग को बंद करना चाहते हैं। दूसरी बात, आप जो ये हमारे ऊपर रजिस्ट्रेशन का दबाव बना रहे हैं, आप कहते हैं एक वर्ग मीटर आपके कितने विद्यालय में है? उसके एक वर्ग मीटर में एक स्टूडेंट ये आपके कितने विद्यालय में ऐसा है? आपके पास व्यवस्था नहीं है और हमको आप क्या मदद देते हैं? कोरोना के टाइम में हमारे 60% टीचर गांव चले गए। आपकी क्या सहयोग थी? कोई सहयोग नहीं थी। और हम लोग मजदूरी करके जीना चाहते हैं तो आप इसको मारना चाहते हैं। दबे कुचले लोगों के बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उसको हम लोग सहयोग दे रहे हैं। क्या करेंगे आगे? हम लोग जो है सो आज फाइट कर दिया है कोर्ट में, लीगली भी कानूनी तौर पर मैं आऊँगा, कानूनी तौर पर मैं आगे बढ़ूंगा और इसमें किसी प्रकार की कोई हम लोग डर्व नहीं करेंगे, इसलिए मैंने मौन जुलूस रखा। एक बार फिर भागलपुर जिले को कृषि के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि मिली है। दरअसल कृषि विश्वविद्यालय सबौर से जुड़े किसानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मान मिला है। यह सम्मान पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षक प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में हो रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मिला, जिसका उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा देश के विभिन्न प्रांतों से आए किसानों को पादप जीन संरक्षक पुरस्कार समारोह में 6 FPO ग्रुप के फार्मर और 19 व्यक्तिगत किसानों को सम्मानित किया गया। इसमें बिहार से 2 ग्रुप लीची फार्मर्स ग्रोवर समूह तथा भागलपुर कतरनी धान किसान संघ को सम्मानित किया गया। इसमें किसान के ग्रुप फार्मर्स को 10 लाख रुपए तथा व्यक्तिगत किसानों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम और सम्मानित किसानों को लेकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर आर के सुहाने ने बताया कि ऐसे बीज जो पुराने होते हैं उनका एक अलग महत्व होता है, उन्हें कई पीढ़ियों से लोग संरक्षित करते चले आते हैं। इन बीजों को हम लोग प्राधिकरण को भेजते हैं और उसी कड़ी में हमारे 4 किसानों को सम्मानित किया गया है। साथ ही भागलपुर का मशहूर GI टैग प्राप्त कतरनी धान व मुजफ्फरपुर की शाही लीची को भी सम्मानित किया गया है। कुलपति डॉक्टर दुनिया राम सिंह के निर्देशन में सभी किसानों ने सम्मान के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और अब विश्वविद्यालय को बड़ी सफलता हाथ लगी है और हम सभी इसके लिए गौरवान्वित हैं। शहर में लगातार डेंगू मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जहां नगर निगम कदराव फॉगिंग कराई जा रही है, लेकिन कई क्षेत्रों में फॉगिंग नहीं होने की शिकायत को लेकर भाजपा नेता बंटी यादव और वार्ड नंबर 20 के पार्षद सांदिल नंदी केस कदरा शहर के सभी वार्ड में
ब्लीचिंग पाउडर और नीम का लिक्विड सहित केमिकल डालकर छिड़काव करने को लेकर 4 टैंकर को आज रवाना किया गया, जो शहर के सभी वार्डों में घूम घूम कर छिड़काव करेगा। वहीं भाजपा नेता ने बताया कि नगर निगम के द्वारा सभी जगह पर फॉगिंग और छिड़काव का काम नहीं किया जा रहा था, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। इसको देखते हुए भाजपा नेता और वार्ड पार्षद के द्वारा शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में छिड़काव का निर्णय लिया गया और आज से यह काम शुरू किया गया। मौके पर पार्षद संजय सिन्हा, मोंटी जोशी, पंकज गुप्ता, शशि मोदी आदि पार्षद मौजूद थे। भागलपुर में जो जिस तरह का डेंगू का प्रकोप है, उसके कारण हम लोगों ने आज 4 गाड़ी यहां से छिड़काव के लिए जो कीटाणु मारक दवाई है उसके साथ हमने दिया है। एंटी लार्वा उसमें मिक्स है और ब्लीचिंग और भी अदर अदर केमिकल्स उसमें दिए हुए हैं। 1 से 51 वार्ड तक में लगातार ये छिड़काव होता रहेगा। जितनी भी गाड़ी ज़रूरत पड़ेगी और जितने दिन की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम लोगों इसको चालू करेंगे। जो हमारे भागलपुर के जितने 51 पार्षद हैं, सब लोगों के जिम्मे और सबके साथ हाथ में मिलाकर इस अभियान को चलाया जा रहा है। इसमें जो भी प्रमुख से नंदिकेश संडालिया वार्ड नंबर 21 के, मोंटी जोशी अपने 38 के, संजय सिन्हा जी, शशि मोदी जी और भी जितने पार्षद हैं, सब लोगों के ही प्रकोप से और साथ से ये चलने जा रहा है। संकल्प ये है कि 51 वार्ड में जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी इस कीटाणु को मारने के लिए उस छिड़काव को किया जाएगा, ताकि हमारी माताएं, बहनें और युवाएं सुरक्षित रह सकें। भागलपुर जिले के नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर हरिजन टोला में संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मधुसूदनपुर थाना की पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। मृत महिला की पहचान हरिजन टोला के निवासी छोटू दास की 22 वर्षीय पत्नी फूलमणि देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर पुलिस ने फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। फॉरेंसिक टीम कुछ ब्लड के सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए लेकर आई। वहीं मृतक महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी को 2-3 दिनों से मौसमी फीवर था। बुधवार की रात में दवाई खाकर सोई थी और बीती रात्रि में उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ मधुसूदनपुर थाना में हत्या का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत की है। वहीं मृतक महिला को एक पुत्री है। मृतक महिला का पति छोटू दास बीमारी से ग्रसित है। सबको अंतिम संस्कार के लिए बरारी शमशान घाट पर करने के दौरान मृतक महिला के मायके हत्या का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किए। हंगामा की सूचना मिलते ही मौके पर 112 की पुलिस टीम और बरारी थाना पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं मामले को लेकर भागलपुर के CTDSP अजय कुमार चौधरी ने बताया कि एक महिला की मौत की सूचना पर पुलिस टीम को भेजकर पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया और घटनास्थल पर FSL और डॉग स्क्वाड की टीम से जांच कराई गई है। मृतक के मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मधुसूदनपुर थाना में केस हुआ। मधुसूदनपुर थाना के बरामद चौकीदार उमेश पासवान को पोस्टमार्टम में भेजा। पोस्टमार्टम हुआ, डेड बॉडी को फरने के बाद हम लेके गए शमशान घाट दास प्रचार करने के लिए। वहाँ जाके इन लोग, जिसका बेटी था उसका पिताजी, महिला लोग वहाँ जाके पूरा हो हंगामा किया। डेड बॉडी नहीं जमान देंगे, डेड बॉडी लोग को मेरा पिता आएगा सब जलाइएगा। मेरा कहना हुआ कि आपको यही कहना था तो डेड बॉडी नहीं भरवाते, पोस्टमार्टम नहीं करवाते। उसके बाद बर्फ पे हम रख लेते, जो कानून प्रक्रिया होता है उसमें हम सहयोग करता था। ये लोग बहुत नौजवान किया, मेरे साथ भी लोग जोर किया है। बड़े थाना आया, 112 भी आया, पूछा, हमने बताया सर ये मधुसूदनपुर में थाना में केस किया है। मधुसूदनपुर थाना से प्रसन्न दिया गया है, पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद टेस्ट कैम लिखा है शमशान घाट दास संस्कार करवाने के लिए। और ये लोग यहाँ मेरे साथ में मारपीट भी किया है, उसका पिताजी और महिला लोग, उसके बाद वहाँ से हम हट गए। मेरा छोटी मेरा भेजना है, हम ये बात को नहीं जान रहते हैं क्या।
भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल और क्रेन में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और मोटरसाइकिल चालक को आंशिक चोट आई। वहीं मोटरसाइकिल चालक की पहचान तारापुर निवासी दवाई व्यवसायी के रूप में हुई है, जिन्होंने अपने इस घटना की सूचना थाने में तो नहीं दी, लेकिन अपनी मोटरसाइकिल की क्षति की मांग जरूर क्रेन चालक से करते दिखे। वहीं क्रेन चालक से जब पूछा गया कि शहर में दिन के समय नो एंट्री रहती है तो कैसे आप यहां पहुंचे, तो उसने साफ तौर पर कहा कि मेरे मालिक का आदेश था तो मैं गाड़ी लेकर चला आया। हालांकि कुछ देर बाद घटनास्थल पर विश्वविद्यालय थाने की पुलिस आई और दोनों को समझा बुझाकर छोड़ दिया गया। वहीं क्रेन चालक को थाने अपने वाहन मालिक के साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अभी यह चलने का दिन में गाड़ी अलाउड है भागलपुर जिला में? हाँ, मेरा अलाउड है सर, भागलपुर जिला में चलने का अलाउड है गाड़ी वाहन अभी। हाँ, कौन सा कौन परमिशन दिया है? वो तो मेरा सेठ लोग ने बात करेगा सर। सेठ जी परमिशन दिया है? क्या नाम है सेठ का? सेठ जी का क्या नाम है? मिथिलेश सिंह। मिथिलेश सिंह कहाँ रहते हैं? यही रहता है। हाँ, भागलपुर में। क्या करते हैं? गाड़ी का ऑनर है। गाड़ी ऑनर है। क्या आपको करके भेजे थे? कहाँ जा रहे थे आप? 0 माइल जा रहे थे। कहाँ से अभी आ रहे हैं आप? यहाँ से, ये हिंदुस्तान प्रेस से। वहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा था, ठीक है, मैं तारापुर से आ रहा हूँ, भागलपुर जा रहा हूँ, मेरा एक मीटिंग है, मैं एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने अभी जो है रोड ऐसे क्रॉस किया तो एक गली से घोड़ा निकल गया था, उसमें मैंने ब्रेक मारा। इनका क्या राइट बढ़ता है? इनको भी पहले ब्रेक मारना चाहिए था। ये क्या हुआ, ब्रेक मारते मारते मेरे गाड़ी में सटा गया। मेरा गाड़ी का जो अभी जो होगा क्या देगा हरियाणा? अभी क्या होता आपके साथ? क्या दुर्घटना होता? हो सकता है मेरा, मेरे सर पे गाड़ी चढ़ सकता था, मेरी मौत हो सकती थी। कौन है इसका जिम्मेदार? गाड़ी नाम है? मेरा नाम पवन कुमार केसरी है। कहाँ घर हुआ? क्या घर? तारापुर। कहाँ जा रहे थे अभी? किस भागलपुर मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे थे? किस जगह जा रहे थे? आपका सीएस होटल कौन सा काम करते हैं? एजेंसी लाइन का काम करते हैं? नहीं करने जा रहे। मेरा अगर जो हर जाना हुआ वो अगर दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।